सावन मास प्रारंभ हो चुका है और इस मास में भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सावन मास भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सावन में मदार के पेड़ का होता है विशेष महत्व। सावन में मदार के सफेद फूल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है ये फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। समाज में सिद्धता, शांति और समृद्धि के लिए भगवान शिव को इसकी माला चढ़ाई जाती है। सावन में मदार से शिव पूजा से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं सावन में मदार के पेड़ और फूल का क्या महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन में मदार के फूल से भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भविष्य में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है सावन में मदार के फूल से शिव की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन में मदार के फूल से शिव जी की पूजा करने से घर की सारी बुराई समाप्त हो जाती है। सावन में शिव को मदार का फूल अर्पित करने से जादू टोने से मुक्ति मिलती है, ऐसी भी एक मान्यता है। यही नहीं बल्कि मदार के फूल का धार्मिक महत्व भी होता है। महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के पूज्य अध्याय में भी मदार की चर्चा मिलती है। इसके अनुसार ऋषि अयोध्या दौमे के शिष्य उपमन्यु की आंखों की रोशनी मदार के पत्ते खा लेने के कारण चली गई थी। संगंध पुराण के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में मदार के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। यही नहीं मदार का फूल नौ ज्योतिष पेड़ों में भी एक है। अकवन को हिंदी में मदार कहते हैं और इसे एक जहरीले पौधे के रूप में जाना जाता है, लेकिन मदार का पौधा किसी जगह पर उगाया नहीं जाता है। ये पौधा अपने आप ही कहीं पर भी उग जाता है। हालांकि ये पौधा अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मदार का वैज्ञानिक नाम कैलोट्रोपिस गिगंटी है। ये आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जरूर मदार के फूल से शिव जी की करें पूजा अर्चना।